एक चीज मैंने अभी अभी नोटिस की जब ये गाना आनंद जी गा रहे थे हमें तुमसे प्यार कितना, बहुत सारे लोग इस गीत को साथ साथ पूरा गा रहे थे। ये बात ये बयां करती है कि पुराने जितने भी नगमे हैं वो क्यों सदाबहार है, व्हाई ऑल दोज ओल्ड सॉन्ग्स आर एवरग्रीन। इसकी वजह यह है कि उसके संगीत में मिठास है, उसके शब्द जो है, उसके बोल जो है बड़े साफ है, दिल को डायरेक्टली टच करते हैं। क्या ये चीजें आजकल के नगमों में हमें मिलेगी? हम अपने आने वाली विरासत को संगीत के जरिए अगर देना कुछ चाहे तो विरासत में क्या देंगे अगली जनरेशन को? चिकनी चमेली, ब्लू है पानी पानी, या फिर चार बोतल वोडका? क्या देंगे हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को? हम अपनी जनरेशन को यही दे पाएंगे क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। क्योंकि जब म्यूजिक की बात आती है तो यही नगमे हम बार बार सुनना चाहते हैं, और जब ये नगमे आते हैं तो चैनल और FM चैनल चेंज हो जाते हैं। तो जोरदार तालियां उन फनकारों के लिए, उन संगीतकारों के लिए, उन लिरिसिस्ट के लिए जिन्होंने इतने खूबसूरत नगमे लिखे बनाए जो सालों तक, आने वाले कई सालों तक यूं ही जिंदा और बरकरार रहेंगे। ऐसा ही एक सूथिंग नगमा जिसमें किशोरदा का अपना एक अलग अंदाज है, उनकी एक अलग खासियत है। आइए सुनते हैं ये नगमा आनंद जी के साथ फिल्म जूली से। जाने कहां जब किसी को किसी
हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूँ, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूँ, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूँ। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूँ, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूँ, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूँ। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के, प्यार तेरा नस नस में, बस में क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहा जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, ऊंची दुनिया की रस्में, और ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, किसी से प्यार हो जाए। दोस्तों प्रोग्राम का समा बांधना इट्स नॉट अ इजी टास्क, वेरी चैलेंजिंग, सिर्फ गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भूमि जी के लिए, जैसे भूमि त्रिवेदी जो आर्टिस्ट और ऑडियंस के बीच में जो उन्होंने ब्रिज बांधा है। थैंक यू सो मच।